तालिबान ने अफगानिस्तान में निगरान हुकूमत का ऐलान कर दिया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान हुकूमत का ऐलान किया है। निगरान हुकूमत में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद निगरान वजीर आजम और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर नायब वजीर आजम के फराइज अंजाम देंगे। उनके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी निगरान वजीर दाखिला, मुल्ला मोहम्मद याकूब निगरान वजीर दिफा और आमिर खान मुत्तकी निगरान वजीर खारजा के अमूर अंजाम देंगे। तालिबान रहनुमा मुल्ला हैबतुल्ला खुनजादा ने कहा है कि अबूरी हुकूमत फौरन काम का आगाज कर देगी। अमारत इस्लामी हकूक बशर के तहफ्फुज, अकलियतों के हकूक और महरूम तबकात के इस्लाम के दायरे कार के मुताबिक हकूक की फरहमी के लिए संजीदा और मुअस्सर इकदाम करेगी। अबूरी हुकूमत के ऐलान से कबल काबुल में कई एक रैलियां निकाली गईं, जिसमें ख्वातीन की तरफ से निकाली गई रैली और पाकिस्तान मुखालिफ रैली काबिले जिक्र हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान के तालिबान से करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान हुकूमत बनाने में तालिबान की मदद कर रहा है। अमरीकी इनखला के बाद पूरी दुनिया की नजरें तालिबान पर लगी हुई हैं। तालिबान को अपनी हुकूमत अक़वामे आलम में मनवाने और इस्लामी इक़दार के तहफ्फुज़ का बड़ा चैलेंज दरपेश है। देखना यह है कि तालिबान हुकूमत इस्लाम के तकाजे पूरे करेगी या फिर बैनुल अक़वामी सियासत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी।